हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारे सैमसंग A14 5G फ़ोन है, तो सैमसंग A14 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कर सकते हैं इस ऑप्शंस के ज़रिए, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कैसे कर सकते हैं और कैसे आप टाइम सेट कर पाएंगे आप होम स्क्रीन का, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा। इस पे जाकर आप फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन कर सकते हैं और साथ में जो भी आप होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। सिंपली सेटिंग शो हो रही है तो आपको स्लाइड करना है। स्लाइड करते ही आपके पास ऑप्शन आता है, इस पे जाना। इस पे जाते ही आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपको इस पे जाना होगा डेट एंड टाइमिंग सेटिंग पे, जिस पे जो कर आप होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। इस पे जाएंगे और जो भी आप टाइमिंग वगैरह सेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस तरीके से स्लाइडिंग करके AM एंड PM भी कर सकते हैं, जो भी आप AM PM करना चाहें सेट कर सकते हैं। और डन करते ही आपको जो भी टाइमिंग है आपके फ़ोन में सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कर सकते हैं, या फिर इसको टाइमिंग को ऑटोमेटिकली सेट करना चाहें तो ऑन कर देंगे तो टाइमिंग ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, और ऑफ़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेट नहीं होगा। तो इस तरीके से भी होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कर सकते हैं सैमसंग M14 फ़ोन में। और आप डेट वगैरह भी चेंज करना चाहें तो आप चेंजेस कर सकते हैं और बदल सकते हैं डेट वगैरह को। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी।